यदि ये डॉक्टर सहेरा ये कहे कि मुझे हिंदू होने पे गर्व है, जैसे हमारे लोग आजकल कुछ लोग कहते हुए हैं दूसरे के कहने से, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ब्राह्मण हूं? बोला हाँ ना बोलो, मैं तो बौद्ध हूं, और पहले उससे पहले कुछ वो जाति में था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं। और क्या मैं राजपूत हूं? मैं राजपूत भी नहीं हूं। क्या मैं वैश्य हूं? मैं वैश्य भी नहीं हूं। क्या मैं शूद्र हूं? मैं शूद्र भी नहीं हूं। हम लोगों को तो अछूत बना के पांचवें नंबर पे डाल रखा था और गंदे से गंदा काम करने को मजबूर किया गया था, इसलिए मैं पांचवें नंबर पे हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्राह्मण पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर का नीच हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग राजपूत है, तीसरे नंबर का नीच वैश्य है, चौथे नंबर का नीच शूद्र है, और पांचवें नंबर का नीच मैं हूं, डॉक्टर सहरा हूं, यदि मैं कहता हूं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। यदि किसी को हिंदू होने पर गर्व है तो आप लोग ये समझ लो, मेरे समाज का आदमी यदि कोई ये कहता है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, इसका मतलब ये कहता है कि मुझे पांचवें नंबर के नीच होने पर गर्व है। यह हिंदू धर्म की कहानी है। तो इसलिए यदि हिंदू धर्म को छोड़ के आप बाबा साहब के साथ आओगे तो आपका सम्मान बरकरार रहेगा। यही बाबा साहब की लड़ाई थी, और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं, और इसलिए बाबा साहब ने वो संकल्प लिया कि मैं भारत को बौद्ध में बनाना चाहता हूं। तो यदि आप बाबा साहब के मानने वाले हो तो बाबा साहब की बात मान के जल्दी से जल्दी बौद्ध धर्म अख्तियार कीजिए। और भाई देखो एक बात सुन लो, हम एक बात कहा करते हैं, मेरी माँ क्या कर रही है मैंने उसका ठेका नहीं लिया, मेरा बाप क्या कर रहा है मैंने उसका भी ठेका नहीं लिया, मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरे गांव वाले क्या कर रहे हैं, मेरे शहर वाले क्या कर रहे हैं, मेरे मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं, मैंने उनका ठेका ना लिया। मैंने ठेका लिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, माता रमाबाई का, जिसने हमें बौद्ध धर्म दिया और जिसने हमें नाली के कीड़े से निकाल के इस देश का शासक बनाया। बहन मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, KR नारायण और जो प्रेसिडेंट फिलहाल है उनको प्रेसिडेंट बनाया, और हमें क्या नहीं बनाया, हमारे आगे से झाड़ू पीछे से झाड़ू हटा के कुर्सी दिलाई और आगे से कुल्हड़ हटा के टाई लगाई, यानी नाली के कीड़ों को इस देश का शासक बनाने वाले बाबा साहब थे। इसलिए उनकी बात को मानना हमारा मूल क्या नाम है फर्ज भी है हमारा, और हम बाबा साहब को माने तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना भी हमारा फर्ज है।